देश भर में कई मुस्लिम संगठन योग दिवस का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुरुक्षेत्र का नाहर माजरा गांव के मुस्लिम लोग मिसाल पेश कर रहे हैं। विरोधों से परे यहां मुस्लिम लोग रोजाना योग कर रहे हैं और दूसरों को भी योग करने की सलाह दे रहे हैं। देश भर में योग पर घमासान छिड़ा हुआ है। कुछ मुस्लिम संगठन योग पर कड़ा विरोध जता रहे हैं। तमाम विरोधों के बीच एक तस्वीर कुरुक्षेत्र के नाहर माजरा गांव की भी है, जहां योग पर विरोध से परे मुस्लिम समुदाय के लोग योग कर रहे हैं। गांव के मुस्लिम पांचों वक्त की नमाज तो अदा करते ही हैं। इसके अलावा लोग सुबह या शाम के वक्त योग भी करते हैं। योग पर उठे विवाद के बीच इन लोगों को योग से कोई एतराज नहीं है। ऐसे करता हूँ और करता रहा हूँ। इसका फायदा यह है कि हमारा शरीर स्वस्थ रहता है इससे, और हम जो भी दिन के जो काम है अपने ठीक ठाक कर सकते हैं। हमें योगा सुबह हर रोज करनी चाहिए, और बेहतर तो ये होता है कि योगा खाली पेट करो, जिससे उसका फायदा भी होगा, जो उसके रिजल्ट है हमारे को अच्छे मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने हाल ही में योग करना शुरू किया हो। गांव के कुछ लोग तो सालों से योग कर रहे हैं। इन लोगों को अनुलोम विलोम, प्राणायाम, कपालभाति जैसे कई योगासन का बाखूबी ज्ञान है। इन लोगों का कहना है कि योग किसी धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि ये तो शरीर को स्वस्थ रखने की एक पद्धति है। योग सिर्फ हिंदू धर्म का नहीं है, बल्कि इसे तो सभी को अपनाना चाहिए, ताकि तन और मन दोनों स्वस्थ रह सकें। होना चाहिए, क्योंकि इसको कुछ लोग धर्म से जोड़ना चाहते हैं, जबकि वो धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। योगा हिंदू के लिए वैसा है, मुसलमान के लिए है, सिख के लिए, ईसाई के लिए, योगा हर इंसान के लिए है। इसको धर्म से ना जोड़ा जाए, योगा हर इंसान को करना चाहिए। 21 जून को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने वाली है। भारत योग दिवस की शुरुआत में बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन इस आयोजन में कई तरह के पेंच फंस रहे हैं। कई मुस्लिम संगठन बेशक विरोध जता रहे हो, लेकिन कुछ मुस्लिम संगठन ऐसे भी हैं जो योग को अपनी जिंदगी में बाखूबी अपना रहे हैं। फोकस हरियाणा के लिए कुरुक्षेत्र से राजेश चौहान की रिपोर्ट।